नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अक्सर सबसे बड़ा ये मेजर कंसर्न है कि जब भी इसको हम खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ख्याल आता है कि क्या इसे करंट पड़ता है या नहीं पड़ता। मैंने इसे लास्ट वीडियो भी बनाई थी और मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में और कॉल करके बताया कि इससे करंट पड़ता है या नहीं, आप हमें इसका रिव्यू बताएं। और अक्सर लोगों ने बताया कि हमने पहले ली थी और उसमें करंट हमें पड़ता था। तो आज ये प्रॉपर इस पर मैं आपको रिव्यू करके बताऊँगा कि इसको ये जो आपने मॉडल आप देख रहे हैं और इसमें जो पानी है बिल्कुल भी, इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आता और इसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने इसको चलाया हुआ है और इस टाइम इसका जो टेम्परेचर है वो 60 पे, ठीक है, और इस टाइम ये आपको फुल गर्म पानी दे रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त इसका पानी है, इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ और ये बहुत गर्म हुआ है। और अब करंट की बात करते हैं तो करंट की मैं आपको बताया था, उसको मैं बंद करता हूँ पहले। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और करंट वाला सिस्टम इसका ये था कि इससे पहले जो पिछले साल मॉडल आए थे उनमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। जो लोगों ने पिछले साल मॉडल लिए थे उनमें करंट का इशू बिल्कुल था, ठीक है। अब इन्होंने करंट वाला और जो इसका दूसरा सिस्टम है इलेक्ट्रिक का वो अलग कर दिया हुआ है। यहाँ से पानी गर्म होता है और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम उन्होंने बनाया वो अलग दोनों डिब्बियाँ कर दी हुई हैं। अब पहले था कि पहले मिक्स होता था सब कुछ और उसके बाद पानी में करंट आ जाता था, लेकिन इस साल 2023 में जो मॉडल आए हैं उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस तरफ आपका पानी यहाँ पे राड लगा होता है, ठीक है, जैसे आप बड़े गीजर लेते हैं उनमें यहाँ पे राड लगा होता है और वो आपको गर्म करके देते हैं पानी, इसी तरह इसमें यहाँ पे उन्होंने छोटा सा राड दिया हुआ है। इस राड की वजह से आपका पानी फुल गर्म होता है और इस तरफ अगर आप इसको ओपन करते हैं, मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, ये गीला है तो मैं इसलिए इसको यहाँ से ओपन करके आपको नहीं दिखाऊंगा। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिकल उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है वो बिल्कुल अलग से है, तो ये बिल्कुल टोटली सेव है, इसमें बिल्कुल करंट नहीं पड़ता। बस आपने ख्याल ये रखना है कि जब भी आप ये बाय करते हैं या इसको आप खरीदते हैं तो कोशिश करनी है आपने पिछले साल का मॉडल बिल्कुल नहीं खरीदना, क्योंकि पिछले साल के मॉडल अक्सर लोगों के पास होते हैं, दुकानदार के पास भी होते हैं और उन्होंने इस साल भी उसको सेल करना होता है और वो नया मॉडल कह के सेल करते हैं, तो इस चीज़ का बस ख्याल रखना है। इसके अलावा इसमें करंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और अब मैं आपको इसके पानी का बताता हूँ कि इसमें पानी आप कितना ज़्यादा गर्म ले सकते हैं और कितनी देर तक इसमें गर्म पानी आता है। तो यहाँ से जब हम इसको ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका डिजिटल टेम्परेचर शो होगा। ये मैंने पहले भी इसको ऑन किया था जिसकी वजह से अभी ये 56 पे है। 56 का मतलब है कि आपका जो पानी है यहाँ पर फुल गर्म हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जिससे लोगों ने पूछा था काफ़ी कि क्या हम इसमें जो टेम्परेचर है वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका जवाब ये है कि इसमें हम अपनी मर्जी से टेम्परेचर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें आहिस्ता आहिस्ता 24 से स्टार्ट होता है और 55 तक इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है। अभी आप देख सकते हैं 54 हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर और पानी इस टाइम धुएं निकल रहे हैं और पानी बहुत ही मज़ेदार गर्म पानी में यहाँ पर गल रहा है। इसमें आप मिक्स नहीं कर सकते, इसका ये है कि आप यहाँ पर आप इसमें गर्म पानी लेंगे एक साइड पर, फिर आप अगर आपको ज़्यादा गर्म पानी आ गया और आप उसको मिक्स करना चाहते हैं तो जब आप इसकी दूसरी साइड ऑन करेंगे तो यहाँ से आपका ठंडा पानी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप दोनों को मिक्स करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आप दोनों को मिक्स कर लें और आपको एक ही तरफ से मिक्स पानी आए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि हाँ मिक्स हो सकता है, इसको आप थोड़ा सा चलाएंगे तो मिक्स पानी आ जाएगा, ज़्यादा चलाएंगे तो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इसमें आप चाहें तो जितना मर्जी चाहे गर्म पानी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें नहाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे नहा भी सकते हैं, बाल्टी भर सकते हैं, हर चीज़ इसमें सेव हो सकती है। इसके जो करंट का लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप न्यू मॉडल परचेज करते हैं। अब मैं आपको इसकी फिटिंग का साथ बताता हूँ, ये मैं यहाँ से बंद करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने वॉशरूम के बेसन के ऊपर फिट किया हुआ है। ये बहुत ही आसान है इसको फिट करना। मेरे ऑलरेडी मेरे वॉशरूम में बेसन लगा हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये उसके नल यहाँ पे नलके लगे हुए हैं। मैंने ऊपर से जो इसकी नेक, ये जो नेक लगी हुई थी यहाँ पे, वो मैंने नेक उतार दिया और उसकी जगह पे मैंने ये फिट कर दिया है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये प्रॉपर पूरा नलका अपना उतार दें, ठीक है, और इसको जब उतारेंगे तो इसके नीचे उन्होंने ज्वाइंट दिया हुआ है जिसमें आप ये फिक्स कर सकते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आपसे इस तरह नहीं होता। तो ये बहुत ही आसान है इसको फिट करना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। और तो फिटिंग का तरीका आपको पता चल गया होगा, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। मुझे लोग कमेंट्स में भी कह रहे थे कि आप हमें फिटिंग का तरीका बताएं। अगर आपने फिटिंग का तरीके की वीडियो देखनी है तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जिसमें मैंने ये फिट करके दिखाया हुआ है और इसमें प्रॉपर बताया हुआ है कि किस तरह इसको फिट करते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। इसके बाद इसके एक और मुझे लोग बता रहे थे कि इसकी जो तार है वो हम किस तरह इसकी तार लगाएं, क्या इसको हम नॉर्मल
तार के साथ फिट कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके जो वोट्स होते हैं वो 3000 वोट होते हैं। 3000 वोट का मतलब है कि इसके ऊपर अगर आप कोई हल्का वायर वाला या हल्का बोर्ड वाला स्विच लगाएंगे तो वो स्पार्क हो सकता है, वो मेल्ट भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये इसकी वायर आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक तार ली हुई है, ये जो तार है ये 729 की तार ली हुई है, जो एसी के लिए इस्तेमाल होती है, बड़ी मोटर्स के लिए इस्तेमाल होती है, वो मैंने तार ली है। यहाँ पे मैंने इसका स्विच लगा दिया और ये तार हमारी जा रही है यहाँ से ऊपर और इस तरफ से आके ये मेरा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है साइड पे, यहाँ पे मैंने इसका स्विच लगा दिया हुआ है, ठीक है। और 729 की तार का फ़ायदा ये है कि ये तार ना ही स्पार्क होगी और ना ही इसमें कोई शॉक आएगा और ना ही आपकी ये जो गीज़र है इलेक्ट्रिक टैप ये ख़राब होगा। अगर आप हल्की तार का इस्तेमाल करते हैं तो हल्की तार की वजह से आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और आपका जो स्विच बोर्ड है वो भी जल सकता है। तो कोशिश करें तार इसकी अच्छी वाली लगाएं ताकि कोई मसला ना आए आपको। अब मैं आपको दोबारा इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। यहाँ से आपने इसको लेफ़्ट पे करेंगे तो ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका पानी आ रहा है और इसके जो पानी का फ्लो है वो भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है और कितना तेज़ है। इस टाइम ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त गर्म पानी आ रहा है। मैं यहाँ पे हाथ भी लगा रहा हूँ, कोई करंट का कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि फेक वीडियो बन रही है, फेक वीडियो बनाई हुई है, ये आपके बिल्कुल सामने है, कोई फेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस टाइम गर्म पानी आप जितना चाहें इससे ले सकते हैं। और इसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ इसके बिल की, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये 3000 वोट है, 3000 वोट का मतलब है कि हमारा जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और अगर आपने इसके बारे में वीडियो देखनी हो तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है और एक बाल्टी भर के मैंने इसमें वीडियो बनाई है और बताया है कि कितना बिजली का खर्च आता है एक बाल्टी भरने में। तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका भी, आप वहाँ जाके वो प्रॉपर वीडियो पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं। और इसको आप बेसन के अलावा, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बेसन में फिट नहीं करना चाहते, आप दूसरी जगह फिट करना चाहते हैं जहाँ पे आप बाल्टी भरना चाहते हैं, तो ये वहाँ पे भी फिट हो जाती है। बहुत ही आसान है इसको फिट करना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसको फिट करना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें अगर आप बड़ा चीज़ें लेते हैं तो बड़े गीज़र में जाहिर सी बात है वो 20 से 25 हज़ार का गीज़र आता है। और इस टाइम काफ़ी गर्म हो गया है और मेरे जो हाथ हैं वो इस टाइम जलने वाले हो गए हैं, मैं ज़्यादा हाथ नहीं खोलूँगा। और इसके अलावा अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे मैं आपको मेन चीज़ बताया था, मार्केट में मैंने आपको बताया है कि पुराने गीज़र पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक टैप पड़े हुए हैं जो पिछले साल के अक्सर लोग सेल कर रहे हैं, उनमें करंट का इशू बिल्कुल आ रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ आ रहा है। लेकिन अब जो इस साल इंपोर्ट आई है चाइना से, उसमें ये इशू उन्होंने सॉल्व कर दिया हुआ है, अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब मैंने खुद इसको घर में आपके सामने लगाया हुआ है और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। और इसके अलावा मैंने जितने भी डिलीवर किए हैं, मुझे जो लोगों ने कॉन्टेक्ट किया और मुझसे परचेज़ किया, बिल्कुल कंप्लेन नहीं है। उन्होंने हमें बताया कि आप ये बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल करंट नहीं आता और जितना चाहें इसमें हम गर्म पानी भी निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें आप इस अच्छी चीज़ खरीदें, ठीक है। मार्केट में हर तरह के इसके क्वालिटी भी आई हुई है, ठीक है। इसमें सस्ते वाले भी हैं और महंगे वाले भी हैं, तो अगर आप सस्ता सस्ता करते हैं और सस्ती चीज़ ले लेते हैं तो उसमें इश्यू तो जाहिर सी बात है आएंगे, क्योंकि वो सस्ता होता है, ठीक है। अगर आप ये मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मार्केट से लेना है, अच्छी चीज़ लेनी है, अगर आपको पता है कोई अच्छी चीज़ दे रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बिजली का खर्च है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो आप वीडियो लास्ट में देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिख दिया हुआ है कि इसका बिजली का खर्च कितना आता है और एक बाल्टी भरने के बाद कितने आपके यूनिट गिरते हैं, वो पूरी वीडियो आप देखिएगा। और अगर आपने फिटिंग की वीडियो देखनी है कि किस तरह फिट होती है, तो दोनों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हुए हैं, आप दोनों जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो इसके मतलब, आप कोई भी ऐसा सवाल जो आपको इस वीडियो में ना मिला हो जवाब इसके बारे में, तो आप मुझसे कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं इसके बारे में जवाब दूँ। कोई भी आपका इशू है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।